केंद्र सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के निजी अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान योजना से मरीजों का इलाज नहीं करने की ठान ली है, जिसकी वजह से अब गरीबों को इलाज के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध शुरू कर दिया है। प्रदेश भर के निजी अस्पताल प्रबंधन ने आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज न करने की ठान ली है, जिसकी वजह से गरीब तबके के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, परंतु गंभीर रोगों का इलाज का ऑपरेशन में होने वाले खर्च का पैकेज निजी अस्पतालों को बहुत ही कम मिल रहा है, जिसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आयुष्मान योजना से नाखुश नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस कार्ड को अपडेट करने में भी काफी मशक्कत का सामना करना अस्पताल प्रबंधन को पड़ रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 10 अक्टूबर को होने वाली DGRC की बैठक का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया है, और इस बैठक में शामिल नहीं हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर BR पटेल ने बताया कि रायगढ़ जिले के लगभग 12 अस्पतालों में स्मार्ट कार्ड के इलाज की रकम आज तक अस्पतालों को नहीं मिल पाई है। यह रकम प्रत्येक अस्पताल 5 लाख से 25 लाख रुपए तक की है। यह भी एक वजह है जिससे हमें आयुष्मान योजना का लाभ मरीजों को देने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए निजी अस्पतालों के बकाया होने की वजह से अस्पताल प्रबंधन भी नाराज है। वहीं IMA के विरोध के बीच इस बात का आश्वासन दिया है, प्रारंभिक चिकित्सा में कोई कमी नहीं आएगी। मरीज का प्राथमिक उपचार कर उसे पास के सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराने की पूरी जवाबदारी निभाई जाएगी। अभी स्मार्ट कार्ड जो पुराने थे वो बंद होके आयुष्मान भारत आई है, मोदी जी का जो महत्वाकांक्षी हेल्थ सेक्टर में एक योजना है, और उसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी इम्पेनल किया गया है। गवर्नमेंट सेक्टर तो इम्पेनल है ही, प्राइवेट सेक्टरों को भी इम्पेनल किया गया है, लेकिन इसमें जब इम्पेनल हुआ उसके बाद इसमें कुछ बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हॉस्पिटलों को, विशेषकर सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, बहुत टाइम टेकिंग है इसमें। ऐसा लग रहा है जैसे मरीज हॉस्पिटल में इलाज करवाने नहीं, मैंने कोई पासपोर्ट इशू करवाने आया हो, इतने सारे इसमें प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है मरीज को, एक तो ये है। दूसरा, इसके पैकेज रेट बहुत ही लो हैं, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटलों का सर्वाइवल मुश्किल है। जो 50,000 के जो RSBI MSBI जिसको हम लोग बोलते थे, वो उस पैकेज रेट से लगभग 40% और कम कर दिया गया है, जबकि ये 5 लाख का मैंने कवरेज इसको बोला जा रहा है, तो इसमें बहुत कॉन्ट्रोवर्सीस लग रहा है। इसमें मैंने जो इस तरह के पैकेज रूट मैंने रेट क्यों कम कर दिया गया है। IMA द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए हैं इसको? हाँ, IMA पूरा प्रदेश में बैठक हुई थी, मेरे को एग्जैक्ट डेट अभी तो तुरंत में याद नहीं आ रहा, बाकी हम लोग रायपुर गए थे, वहाँ पे पूरे प्रदेश के जो रिप्रेजेंटेटिव थे आए थे पूरे हर जिले से, और उसमें यही डिसीजन लिया गया कि हमारे एक तो पुराने ओल्ड पेमेंट्स बहुत सारा बकाया है, पिछले जो कंपनी जिनके साथ काम किए हैं उसको नहीं दिया जा रहा है, उसमें बहुत सारा रिजेक्शन कर दिए हैं केसेस का बीमा कंपनियों द्वारा, कुछ कुछ छोटे छोटे बहाना मिले बनाकर कि टाइम से आपने अपलोड नहीं किया, डॉक्यूमेंट आपके सफिशिएंट नहीं है, ऐसा कर कर के रिजेक्ट किए हुए हैं पैसा ना देने के मैंने बहाने, तो ये हमारे मांग पूरी होनी चाहिए, उसके बाद हम लोग काम पे आएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तरफ हमने ज्ञापन दिया है कि हमारा पैकेज बढ़ाया जाए, और दूसरा जो है प्रोसेस जो ब्लॉकिंग का है वो थोड़ा लेंदी है, क्लेरिकल वर्क ज़्यादा है, उसका सरलीकरण किया जाए, ये मांग उन्होंने रखी है। कुछ मीटिंग वगैरह का भी बाइकआउट किया है उन्होंने? हाँ, इस संबंध में शासन के द्वारा जो मीटिंग आयोजित किया गया था उसका भी बहिष्कार करने के संबंध में हमें ज्ञापन दिया है। सर, स्मार्ट कार्ड से अगर लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती है, आम मरीज परेशान होगा, तो इसको लेके CMHO द्वारा क्या कार्रवाई की जाए? इस तरह का अगर शिकायत आता है कि स्मार्ट कार्ड का अस्पताल नहीं ले रहा है या नहीं उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको टेक्निकल मदद देते हैं यहाँ से, और कोशिश करते हैं कि उसका स्मार्ट कार्ड उपयोग हो जाए। रायगढ़ से कैमरामैन प्रमोद के साथ सुरजीत कौर की रिपोर्ट।